Muscle growth happens only when exercise and nutrition are combined, and protein is an essential macronutrient that helps body muscle, repair tissue, and make enzymes and hormones. Using protein powder may also aid weight loss and help people tone their muscles. हेलो, मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं हेल्थ अनकट। मसल हेल्थ के लिए प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोटीन आपकी बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करता है। ऑल्सो इट क्रिएट मसल्स और ये हंगर कंट्रोल करने में भी बेनिफिशियल है। सो इट्स अ विन विन। वेदर योर गोल इज वेट लॉस और मसल बिल्डिंग, ईटिंग इनफ प्रोटीन इज द की। पीपल हु आर फिटनेस फ्रीक और एथलीट्स यूजुअली टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स टू फिल द गैप। सप्लीमेंट्स के साथ हमें एक एडवांटेज ये होता है कि एक कन्वीनियंस होती है कि कभी आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जब आपको लग रहा है कि आप नेचुरल प्रोडक्ट्स जो प्रोटीन के हैं वो नहीं ले सकते, तो ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट्स उस वक्त हैंडी रहते हैं और मिस करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि कुछ ले लें, और इसलिए उस वक्त आप उन्हें ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सप्लीमेंट्स, व्हाट आर नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज? देखिए, सप्लीमेंट्स के अलावा कुदरत ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। ख़ास तौर से अगर बात करें तो जितने भी दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। चाहे हम दूध की बात करें, दही, मट्ठा, पनीर, इन सभी चीज़ों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स होता है। उसके अलावा जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे एग है, उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, वो मीट्स हैं, फिश है, चिकन है, इन सब चीज़ों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। साथ ही अगर आप सब्जियों की बात करें तो बीन्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उनमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन है, चना है, इन सब चीज़ों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स है, नट्स हैं, सीड्स हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें तो हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और कोशिश करें कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाएँ, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएं, क्योंकि इसमें हमें एक और एडवांटेज ये मिलता है कि जब हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो ना केवल हमें प्रोटीन बल्कि जो उस खाने में अच्छे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और भी जो ज़रूरी हमारे शरीर के लिए अच्छे तंदुरुस्ती के लिए तत्व होते हैं वो भी मिलते हैं। What happens if the protein powder is cooked? जी हाँ, देखिए, जब हम प्रोटीन पाउडर को कुक करते हैं तो वो डीनेचर्ड हो जाता है। लेकिन इसका मतलब भी समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है या बेकार हो गया प्रोटीन हमारे लिए लेना, ऐसा नहीं है। उसका केवल रूप जो है वो बदल जाता है। अब जैसे देखिए, हम मीट्स खाते हैं, दूध लेते हैं, एग लेते हैं, तो इनको भी तो हम कुक करके तब खाते हैं और इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। तो जब हम इनको कुक करते हैं तो इनके अंदर का जो प्रोटीन होता है उसका नेचर चेंज हो जाता है। इसी तरह से जब हम प्रोटीन पाउडर्स को कुक करते हैं तो उनका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, यानी कि प्रोटीन का जो रूप है वो थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन हमें फ़ायदा करता है। उस जितना प्रोटीन हमारे शरीर में पहुँचना चाहिए उस प्रोडक्ट के हिसाब से, उतना प्रोटीन हमारे शरीर को मिलता है। इसीलिए कई बार जब बच्चे अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं खाते तो हम लोग माओं को ये सलाह देते हैं कि आप रोटी में प्रोटीन पाउडर मिला सकते हैं। जो बच्चे पैनकेक, उपमा, उत्तपम जैसी चीज़ें खा रहे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं, ताकि बच्चों को वो प्रोटीन पाउडर मिले और उन्हें पता भी ना चले और उनका खाना भी टेस्टी रहे। तो इसलिए हम प्रोटीन पाउडर्स को कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आप अपने मसल हेल्थ पर काम कर रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग में हैं या फिर एथलीट हैं, तो ईटिंग प्रोटीन रिच फूड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आप वे प्रोटीन की भी हेल्प ले सकते हैं, विच इज़ बेटर फॉर योर ग्रोथ एंड रिकवरी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फॉर मोर सच हेल्थ रिलेटेड टिप्स, प्लीज सब्सक्राइब टू अनकट। YouTube, Facebook और Instagram पर ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। थैंक यू, यू आर वॉचिंग अनकट।